बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके हल के लिए सबसे पहले हमें समलंब के बारे में पता होना चाहिए। समलंब क्या होती है? एक चतुर्भुज जिसमें एक भुजा का जोड़ा समांतर होता है। और ये कौन सी भुजाएं हैं? ए बी और डी सी आपस में समांतर है। तो हम एक समलंब का चित्र बना लेते हैं। आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी बनाए। हमने कुछ इस तरह से इसको बना लिया। एक समलंब है ए बी सी और डी। इसमें जो ए बी भुजा है वो डीसी के समांतर है। यहां पे हमारे पास अगर हम लिखें, दिया गया है क्या एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है किसके? बीसी के। और आगे कहा है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण कौन से हुए? एक तो हो गया एसी और एक हो गया बीडी। कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु ओ पे। तथा विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दिया गया है। हमें क्या सिद्ध करना है? आप एबी के समांतर भी कह सकते हैं और डीसी के समांतर भी कह सकते हैं, क्योंकि एबी और डीसी तो आपस में समांतर है ही है। एबी और डीसी तो समांतर है ही है। तो ईओ अगर एबी के समांतर है तो ईओ डीसी के भी समांतर है। आप सीधा भी कह सकते हैं कि हमने बिंदु ओ से ईओ समांतर एबी समांतर डीसी खींचा। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब देखिए से, क्योंकि ईओ समांतर है एबी के भी और समांतर है सीडी के भी। तो पहले हम एबी के समांतर ले लेते हैं। ईओ किसके समांतर है? एबी के समांतर है। तो हम ये ट्रायंगल लेते हैं। इसलिए त्रिभुज एबी समांतर है। इस त्रिभुज में हमारे पास क्या बनेगा? डी ई बटे में ई ए। डी ई बटे में
बटे में ओबी, बी ओ बटे में ओबी, ये हमारा समीकरण एक हो गया। कैसे? टेल्स परमे द्वारा। इसी प्रकार हमारा जो ईओ है वो समांतर डीसी के भी तो है, ईओ डीसी के भी समांतर है, इसलिए त्रिभुज, अब देखो ईओ और डीसी, तो अब की बार ट्रायंगल ये लेंगे हम, ट्रायंगल ए सी डी में क्या बनेगा, देखो ये समांतर है तो यहां से ले लेते हैं
आमतौर पे हमारे बाकी क्वेश्चन में ये समीकरण दो था हमारा, लेकिन यहाँ पे हमने एक दो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। देखो ए ई ये रहना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे कि ए ई और ई ए ये एक ही बात है, ए ओ और ओ ए ये एक ही बात है। यहां से हमने पहले इसको ठीक कर दिया, इसको क्या लिखा, इसको विलोम कर दिया, ए डी बटे में ए ई हो गया और ओ सी बटे में ओ ए हो गया। अब देखो ई डी यहां पे डी ई है तो ई डी को डी ई लिख सकते हैं, यहां ई ए है तो यहां पे हमने ए ई इसको भी ए ई को ई ए लिख दिया। अब जो आंसर है उसमें ओ पीछे की तरफ है तो हमने ओ सी को सी ओ लिख दिया और ये ए ओ हो गया। अब इन दोनों समीकरण से ये दोनों आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड पार्ट भी आपस में बराबर होगा। यहां से हमारे पास क्या आया कि पहले हमने क्या किया कि ओ को पीछे की तरफ कर दिया सब में, डी ओ ठीक है, ओ पी को बी ओ कर दिया, ये सी ओ और ई हो गया हमारे पास। अब ये एक आंसर था इसका, लेकिन ऐसा नहीं पूछा उसने प्रूव करना। तो यहां ए के बटे में बी है तो देखो ये यहां पे चला जाएगा, वैसे तो देखो इस स्टेप पे हो जाएगा, इनको इंटरचेंज करना है हमें इनको, क्योंकि तो इसके साथ ना होगी इसके साथ होगी, तो ए ओ यहां पे आ गया और डी ओ यहाँ पे आ गया। हमने इसको दो स्टेप में कर दिया कि पहले आर पार गुणा कर ली, अब ए ओ चाहिए था बी ओ इसके बटे में आ गया, सी ओ यहाँ पे चाहिए था डी ओ इसके बटे में आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, उसका विलोम है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, मतलब वो जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, ये हमें दिया हुआ है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, हमें ये दिखाना है, सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का विलोम हो गया। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चतुर्भुज है, हमने एक चतुर्भुज ले ली एबीसीडी, आप कैसी भी आकृति ले सकते हैं। इसमें क्या है, जो विकर्ण है एसी और बीडी है, कहां पे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। तो हमने लिख दिया कि दिया गया है एक चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। तो ये हमें दे रखा है, तो इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, कहीं यूज तो जरूर करना पड़ेगा इसको। अब हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है, तो समलंब सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसमें इस चतुर्भुज में एक भुजा का जोड़ा समांतर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम रचना करते हैं कि बिंदु ओ से ई ओ समांतर ए बी खींचिए, तो ई ओ ए बी के समांतर हमने एक रेखाखंड खींचा जो कि ए डी को बिंदु ई पर मिलती है या प्रक्षेप करता है, तो यह हमारी रचना होगी। अब आप देखेंगे से, क्योंकि ई ओ समांतर है ए बी के, इसलिए ई ओ समांतर है ए बी के, तो इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ई ओ ए बी के समांतर है, तो त्रिभुज हम बात करें डी ए बी की, तो डी ई बटे में ई ए बराबर होगा डी ओ बटे में ओ बी ओ बी। अब आप देखो जो दिया हुआ है उसमें ए बी सी डी इस तरह से लिखे हुए हैं, यहां से इसको यूज कर रहे हैं हमें, यहां पे डी और बी आया तो हम इसको अगर लिखना चाहे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी ई बटे में ई ए बराबर है इसको डी ओ बटे में बी ओ लिख देते हैं, ये हमारा समीकरण दो हो गया। अब समीकरण एक से
पास है ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। देखो हमारे पास डी के बटे में बी है, तो डी के बटे में बी हम देखो किस तरह से बनाएंगे, या तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसको रिवर्स रेसिप्रोकल कर ले, या ऐसे भी रहना तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हमने क्या किया, अब देखो यहां पे आर पार गुणा कर लेते हैं, ए ओ गुणा में डी ओ और यहां से बी ओ गुणा में सी ओ। अब हमें क्या चाहिए, डी ओ और बी ओ, तो डी ओ को भी रहने देते हैं, इस बी ओ को इसके नीचे ले आएंगे, तो डी ओ बटे में बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सी ओ रहने देते हैं और ये ए ओ के बराबर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण तीन हो गया। अब हम लिख देंगे कि समीकरण दो और तीन से, अब आप देखेंगे कि दो में डी ई बटे में ई ए बराबर है डी ओ बटे में बी ओ, और इसमें देखो डी ओ बटे में बी ओ सी ओ बटे में ए ओ, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि डी ई बटे में ई ए बराबर है डी ई बटे में ई ए बराबर है सी ओ बटे में ए ओ। अब यहां पे पहुंच गए, देखो डी ई बटे में ई ए किसके बराबर है, सी ओ सी ओ बटे में ए ओ ए ओ। देखो डी ई बटे में ई ए और यहां से सी ओ बटे में ओ सी, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ये वाली ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में हमारे पास ये चीज है कि डी ई बटे में ई ए बराबर है सी ओ बटे में ए ओ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए बटे में डी ई और ए ओ बटे में सी ओ। हमने क्या किया, इसका विलोम कर दिया, उल्टा कर दिया। अब देखो इस ट्रायंगल के बारे में, ए ई इसको ए ई लिख सकते हैं बटे में ई डी इसको ई डी लिख सकते हैं बराबर है ए ओ, ए ओ है हमारे पास बटे में ओ सी, सी ओ को ओ सी लिख सकते हैं। अब देखो समानुपात में होगी इस ट्रायंगल में, ये भुजाएं समानुपात में होगी, तो हम लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार इस ट्रायंगल में ये समानुपात। अब आप देखें कि ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी और ए ओ बटे में ओ सी, ए ओ बटे में ओ सी, यानी कि ये ट्रायंगल हो गई हमारे पास, तो इस ट्रायंगल में समानुपात में हो गए, यानी कि ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। यहां पे हम लिख सकते हैं कि ई ओ समांतर है किसके, डी सी के, तो ई ओ समांतर होगी डी सी के। लेकिन अब हम यहां पे कर लेते हैं, लेकिन ई ओ तो समांतर किसके थी, ए बी के, इसके बाद हम लिख देंगे कि ई ओ लेकिन ई ओ समांतर है ए बी के, इसलिए ई ओ समांतर है ए बी और समांतर है सी डी, यानी कि अब देखो ई ओ हमने क्या लिया था, ई ओ ए बी के समांतर लिया था और हमने क्या दिखा दिया कि ई ओ डी सी के समांतर है, यानी कि ये तीनों ही समांतर है। अगर ये तीनों ही समांतर है तो इसका मतलब ए बी और डी सी भी आपस में समांतर होंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये हो सकता है कि लास्ट वाली लाइन आपको नजर ना आए, लेकिन आपको सुनाई जरूर दे रहा होगा कि यहां से हमने क्या कहा कि ई ओ ए बी के भी समांतर है और सी डी के भी समांतर है, यानी कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है। ए बी और सी डी अगर आपस में समांतर होगी तो यानी कि ए बी सी डी एक क्या होगी, समलंब होगी, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज समलंब कब होती है, जब उसमें एक भुजा का जोड़ा समांतर होता है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू वेरी मच।